जी दोस्तों, ट्रायंगल के सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग ट्रायंगल के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लाए हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है, दिया हुआ है एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर ए सी बराबर 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। फिर दिया हुआ है तथा ए से बी सी पर डाले गए लंब ए डी की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। तो ए से बी सी पे डाले गए लंब, तो ये लंब है, लंब ए डी की लंबाई कितना दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तब तो कह रहा है बी सी ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? बी सी, यहां से यहां तक की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं त्रिभुज ए डी बी में, त्रिभुज ए डी बी में। तो ध्यान दीजिए, त्रिभुज ए बी डी में ये एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है, ये देखिए ये क्या है, कर्ण है। कर्ण 13 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, तो ये कितना हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर। ट्रिपलेट से हमको पता है, पाइथागोरस में से निकालेंगे तो कितना आएगा? 12 सेंटीमीटर। अब ध्यान दीजिए, यह समद्विबाहु त्रिभुज है, तो यह बी सी को दो बराबर भागों में बांट रहा होगा। अगर बी सी को दो बराबर भागों में बांट रहा है तो ये 12 है, तो ये भी कितना हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर। तो बी सी कितना हो जाएगा आपका? बी सी हो जाएगा आपका 24 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से बी सी बराबर आपका 24 सेंटीमीटर आएगा। कितना जाएगा? 24 सेंटीमीटर। तो देखिए दिया हुआ है आपको ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। चलिए आइए हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ध्यान दीजिए, हमारा जो अगला क्वेश्चन है, जैसा कि आपको दिख रहा है, दिया हुआ है एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर लंबी है, तो इस त्रिभुज की ऊंचाई कितनी है? तो ध्यान दीजिए, एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज, तो समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या होती हैं? आपस में बराबर होती हैं। तो वो 10 सेंटीमीटर है, तो ये 10 है, ये 10 है, तो ये भी कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज की ऊंचाई पूछ रहा है। अगर हम लोग ऊंचाई निकालते हैं तो यहां से यहां तक इस पे क्या डालेंगे? लंब डालेंगे। जब लंब डालेंगे तो ये बराबर भागों में बांटेगा, बराबर भागों में बांटेगा, तो ये कितना हो जाएगा? ये 5 सेंटीमीटर, और ये कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, अगर ये 10 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे लंब डालेंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय का अगर हम यूज करते हैं, तो पाइथागोरस प्रमेय का अगर हम यूज करते हैं, तो अगर इसको ए बी सी और डी मानते हैं, तो अगर ए डी बराबर निकालना चाहें तो ए डी बराबर होगा आपका ए बी स्क्वायर और प्लस बी डी स्क्वायर, यही होगा। ध्यान दीजिएगा, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर प्लस आपका यहाँ पे हो जाएगा 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे 10 10 हो जाएगा, और ये प्लस 5 5 25 हो जाएगा, तो इस तरीके से आपका आ जाएगा 125। तो 25 माइनस में जाएगा, सॉरी, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये माइनस होगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे 75 बचेगा। कितना बचेगा? 75। तो ये 25 गुणते 25 75, तो आपका 5√3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? सॉरी, देख लेते हैं, 5√3 आएगा। कितना आएगा? 5√3। तो देखिए, क्योंकि 100 में से अगर 25 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 75√, और 75√ का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5√3। तो 5√3। तो इस तरीके से देखिए दिया हुआ है आपका ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 5√3। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। चलिए आइए हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए ध्यान दीजिए, हमारा जो अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि दी गई आकृति में त्रिभुज पी क्यू आर के अंदर एक बिंदु ओ ऐसा है। तो देखिए, त्रिभुज पी क्यू आर के अंदर एक बिंदु ओ ऐसा है कि पी ओ आर बराबर 90 अंश दिया हुआ है, तो ये आपका 90 अंश हो गया। तो ध्यान दीजिएगा, 90 अंश हो गया। उसके बाद कह रहा है ओपी बराबर 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, सही है। ओ आर बराबर 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। फिर कह रहा है पी क्यू बराबर दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो आप त्रिभुज क्यू पी आर, सॉरी,
कोण क्यू पी आर बराबर 90 अंश दिए हुए, क्यू पी आर अर्थात ये वाला कोण कितना है 90 अंश, कितना है 90 अंश। ठीक है, तो इस तरीके से कह रहा है क्यू आर का वैल्यू ज्ञात कीजिए, क्यू आर का वैल्यू। अब ध्यान दीजिए, अगर त्रिभुज हम लोग देखते हैं पी ओ आर, तो पी ओ आर में देखिए ये 90 अंश है, तो ये 8 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पता है आपको पाइथागोरस प्रमेय से ये कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। अब ध्यान दीजिए, अगर ये 10 है और ये 24 है, तो ये कितना हो जाएगा 90 अंश के सामने का कर्ण होता है, तो कर्ण क्यू आर बराबर आपका हो जाएगा 24 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, होता है कि नहीं होता है। 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 576 प्लस आपका हो जाएगा 100, तो इस तरीके से आपका हो जाएगा 676, और 676 किसका होता है 26 का होता है। इस तरीके से आपका क्यू आर का वैल्यू कितना आ गया 26। तो देखिए दिया हुआ है आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 26 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ध्यान दीजिए, हमारा जो अगला क्वेश्चन है, जैसा कि दिया हुआ है एक समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई 25 सेंटीमीटर है, तो एक ध्यान दीजिएगा एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं, एक समकोण त्रिभुज हो गया जिसके कर्ण की लंबाई कितना हो गया 25 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है शेष दोनों भुजाओं में से एक भुजा दूसरी भुजा से 25 सेंटीमीटर बड़ी, सॉरी 5 सेंटीमीटर बड़ी है, तो अगर हम मानते हैं इसको x, तो ये कितना हो जाएगा x प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इन दो भुजाओं की लंबाइयां क्रमशः कितनी है, तो क्रमशः कितनी है अगर ध्यान दीजिएगा भाई, ऑप्शन अगर देखते हैं तो पहले ऑप्शन में 10 दिया हुआ है, दूसरे ऑप्शन में 15, अंतर तो इतना है, लेकिन हम जब इसको कर्ण के रूप में निकालेंगे तो ये 100 हो जाएगा, 5 225, ये कर्ण 25 आएगा नहीं, तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन 12 है, 17 है, अंतर तो आएगा लेकिन इसका भी कर्ण आपका 25 नहीं आएगा। इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो जाएगा। सी नंबर में दिया हुआ है अंतर 5 है लेकिन इसका भी कर्ण निकालेंगे तो आपका 25 नहीं आएगा, तो इस तरीके से आपका सिर्फ बचता है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी से आपका कर्ण 25 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर ऑप्शन से लगाना चाहते हैं तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगर हम लोग फार्मूले से लगाना चाहते हैं, तो फार्मूले से अगर लगाएंगे तो 25 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस आपका एक्स प्लस 5 का होल ऑफ स्क्वायर होगा, यही होगा पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो यहाँ पे आप 25 25 में क्या करेंगे 625 हो जाएगा, और बराबर आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5 25 25 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 10x। ठीक है, तो यहां से ये आपका 2x² हो जाएगा प्लस आपका 10x हो जाएगा, माइनस आपका कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा, बराबर आपका हो जाएगा 0। तो आप यहां पे 6 दुनी 12 आप कर सकते हैं, या तो आप धीरे से x² प्लस 5x माइनस 300 = 0, 2 से आप भाग दे दीजिए। इस तरीके से आपका इतना आ गया, आप यहाँ पे कर सकते हैं 25 और 15 और 20 ले सकते हैं, 15 और 20 लेंगे तो 5 15, इस तरीके से आपका हो जाएगा x² + 20x - 15x - 300 = 0 हो जाएगा। तो x कॉमन ले लीजिए तो x प्लस यहाँ पे 20 हो जाएगा, माइनस 15 कॉमन लेंगे तो x प्लस 20 = 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे x प्लस 20 और हो जाएगा x माइनस 15 बराबर कितना हो जाएगा 0। तो इस तरीके से x बराबर आपका कितना आ जाएगा 15, एक x बराबर 15 हो गया तो ये कितना हो जाएगा 20, तो इस तरीके से 15 और 20 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 15 और 20। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा, या चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि नए नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। जी दोस्तों, हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।